नमस्कार दोस्तों, आज आईपीएल 2021 का दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग वर्सेस दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच खेला गया, जहां पे दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। यानी चेन्नई की बैटिंग थी पहले। सबको उम्मीद था कि चेन्नई की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी, जो कि रिटायरमेंट के बाद पहली बार ग्राउंड पर दिखेंगे और लंबे लंबे शॉट लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उनके साथी खिलाड़ी सुरेश रैना ने शानदार बैटिंग करते हुए सिर्फ 36 गेंदों में ही 54 रन ठोक दिए। वहीं बात करें उनकी बैटिंग की खास बातों का, तो 4 लंबे लंबे छक्के भी उन्होंने लगाए। वहीं बात करें बाउंड्रीज का, तो 3 चौके भी लगाए। बात करें उनके स्ट्राइक रेट का, तो 150 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो फॉर्म में आते, जैसे ही वो लंबे लंबे छक्के और लगाते, उससे पहले यहाँ पे रविंद्र जडेजा की वजह से वो रन आउट हो जाते हैं और यहाँ पे एक गलत डिसीजन के कारण पवेलियन लौट जाते हैं। तो भले ही सुरेश रैना रन आउट हो गए, लेकिन रन आउट होने से पहले उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था और अपने टीम के लिए शानदार 54 रनों की पारी खेल दी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट में बताइए कि सुरेश रैना आपको कैसे लगते हैं। अगर आप सुरेश रैना को एक बढ़िया बैट्समैन मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें।